रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को लेकर रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रूस और भारत ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रेरित हैं कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में बाधा न आए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अलीपोव ने ये भी कहा कि रूस द्वारा भारत को S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति निर्धारित समय के अनुसार सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। अलीपोव का यह बयान उन आशंकाओं के बीच आया है कि यूक्रेन में संघर्ष के चलते भारत को रूस द्वारा प्रमुख सैन्य प्रणालियों और हार्डवेयर की आपूर्ति में देरी हो सकती है। अलीपोव ने कहा, रक्षा सहयोग रूस भारत की विशेष रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभों में से एक है। दोनों देश ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रेरित हैं कि ये बिना किसी बाधा के बना रहे। उन्होंने कहा कि हम नकारात्मक बाहरी कारकों द्वारा बनाई गई बाधाओं को सफलतापूर्वक कम करने में कामयाब रहे। उधर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक बार फिर भारत का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन युद्ध पर स्वतंत्र रुख अपनाकर भारत ने कई देशों की भावनाओं को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की परिस्थितियों में देशों पर कोई एक पक्ष चुनने का भारी दबाव रहता है। जयशंकर ने कहा, हमने स्वतंत्र रुख अपनाया है, हमने अपने लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जिन फैसलों को सही समझा वही फैसले लिए। उन्होंने कहा कि इस बात की दुनिया ने सराहना की है